ये भभूति जी के बच्चे की तो हम डफली बजाते हैं भाभी जी से शिकायत करके। साले हमारे गुर्दों में दम कर रखा है इस आदमी ने। अरे तिवारी भैया, बड़ा गुस्से में लाल पीले हो रहे हो। अरे क्या बताएं आपको, ये भभूति जी ने जो है ना वो डफली बजा बजा के हमारी नाक में दम कर रखा है। हम भाभी से उनकी शिकायत करने जा रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम है ना अनिता भाभी पहले से अपने पैर को लेकर कितने सदमे में, रो रो के बुरा हाल हो रहा है उनका। अच्छा, और नहीं तो क्या भैया। भैया आपसे विनती है, प्लीज ये अपनी परेशानी है ना भाभी जी पे मत थोपिए। नहीं नहीं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी परेशानी भाभी जी पर नहीं डालेंगे, जरा उनका हाल चाल पूछ के आते हैं। जी जी, और मैं भी क्लिनिक चलता हूँ। देखो मेरा सूप का भी टाइम हो गया है, डॉक्टर ने कहा था खाने का बहुत ध्यान रखना है, विभू पे डिपेंड करूंगी ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। भाभी जी घर पर, भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? भाभी जी ये क्या कर रही हैं? हमने कितनी बार आपसे कहा है कि अगर कोई आवश्यकता हो तो हमें आवाज दे दिया करें, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे, अपनी गोद में आपको उठा मतलब आपके लिए उपस्थित हो जाएंगे भाभी जी। आप बैठी बैठी क्या करें तिवारी जी, आप भी ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं जरूर आपसे कहूंगी, आप तो हमारे हैं। हो भाग्य हमारे जो आपने हमें कहा हमारे। जी ये भभूति जी नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ विभू जरा बाहर गया है। बाहर बाहर गए हैं? अरे आपको ऐसी हालत में छोड़कर वो बाहर गए हैं? अरे आपके आपके पाँव में चोट आई है, आपको इस हालत में छोड़कर बाहर गए हैं भाभी जी? नहीं भाभी जी, वेरी केयरलेस हस्बैंड, काश हम होते आपके हस्बैंड। तिवारी जी फिर आपके होंठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी, हम कह रहे कि ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। पति का फर्ज बनता है कि पत्नी की देखभाल करे, उसकी जरूरतों को पूरा करे, हमेशा उसके समक्ष रहे। That's very intelligent, तिवारी जी। हाँ आपके ऐसे ख्यालात हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए अंगूरी जी, आज दिखी नहीं सुबह से। अरे घर में पड़ी है, सरदर्द से ग्रस्त है, जब देखो तब सरदर्द सरदर्द। ठीक है घर का काम करती है तो ये तो लाजमी है ना भाभी जी। तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपको नहीं उनके पास होना चाहिए? हाँ जब उनको आपकी जरूरत है, क्या ये लाजमी नहीं है कि आपको उनका काम में हाथ बटाना चाहिए? आप यहाँ आकर टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ? चलते हैं भाभी जी।